हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टाइट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। यह फुल ट्यूटोरियल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आप किसी भी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर आकर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, हमने कपड़ा लिया, साड़ी का ब्लाउज है ये, और 80 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे लाइनिंग ली है, छोटी स्लीव है। तो लाइनिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है, ये देखिए। तो एक लाइन मार के कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। अब यहीं से अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो 14 इंच हमारी तैयार लेंथ है, 1 इंच हमने मार्जिन का प्लस करके 15 इंच ले लिया है। शोल्डर हमने देखिए 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 1.5 इंच लिया है, 5.75 इंच। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट 39 इंच की है, उसका चौथाई हमने लिया है 9.75 इंच। 2 इंच का मार्जिन रखा है, मार्जिन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देखिए, इस तरह हमने आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेना है, उसका हाफ करके आर्म होल का शेप देना है। देखिए, हमने आर्म होल लेंथ को हाफ किया, उसका फिर हमने आर्म होल का शेप दिया है। कमर यहाँ पे देखिए 31 इंच है, उसका चौथा हमने ले लिया है 7.75 इंच। और 1 इंच टक्स का 2 इंच मार्क करके हमने देखिए फिटिंग और कटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। ये देखिए, हाफ हाफ इंच की हम टक्स लगाएंगे बैक की। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। लेंथ देखिए, हमने 10.5 इंच ली है, नीचे की साइड ब्रॉडनेस 3.5 इंच ली है। और बॉक्स बना के हमने देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। शोल्डर को डाउन कर लेते हैं, आप चाहे तो ना करें अगर आपको डोरी लगाना हो तो। देखिए, यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसे बैक पार्ट को रख कर हम अपने फ्रंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से अपने बैक पार्ट को रखना है, आगे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और फिर यहाँ पे देखिए, आई स्टिच मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए। अब लेंथ देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं फ्रंट में, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ के लिए ले लेना है। आई स्टिच मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारी लाइनिंग बच रही है, इसको हम अलग रख देंगे, इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। देखिए, हमने आई स्टिच कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इस सारे मार्क को उतार के हमने बैक पार्ट को हटा लेना है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट में क्या करना है, आर्म होल पे हम गहराई देंगे। तो शोल्डर आर्म होल को नाप करके देखिए, हमने इस तरह से 1/2 इंच पे गहराई दे देनी है, ये देखिए। अब यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, बेल्ट हमारे 3-2 तैयार है। तो हमने देखिए यहाँ पे इस साइड 3 इंच लिया है, इस और उधर हमने 2 इंच लिया है, 1 इंच नीचे का मार्जिन है ही है। तो इस तरह से करके हमारा बेल्ट परफेक्ट हो गया है। गले की लंबाई देखिए 6.5 इंच ले लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई रख सकते हैं। 2.5 इंच हमने नीचे की साइड भी गले की चौड़ाई ली है। और इस तरह से देखिए, मैंने गले को मार्क कर लेना है, ये देखिए। अब कमर की फिटिंग लगा लेते हैं ताकि हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाए। तो 7.25 पे हमने कमर की फिटिंग लगाई है, 2 इंच मायन का रख लिया है। चेस्ट के पास देखिए, हमने 9.75 इंच पर लगाया है, 7.25 इंच पर, और 2 इंच का मार्जिन रख लिया है। और इस तरह से देखिए, हमने लाइन को मार्क कर लेना है, 1/2 इंच छुकाई का मार्क कर लेते हैं। अब जितना पूरा हमारा पार्ट आया है, देखिए इसका हम सेंटर निकालेंगे कटोरी का मार्क लगाने के लिए। तो यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने देखिए फिटिंग की मार्किंग कर ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है, तो भी एक लाइन हमने मार्क कर ली है। आर्म होल के पास देखिए, यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे और इस तरह देखिए कटोरी का शेप दे देना है, ये देखिए। टक्स की लेंथ लेंगे 10.5 इंच, इस तरह से लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए, इस पर हमने 4 इंच एक बार लेना है, फिर से 4 इंच लेना है, ये देखिए। इस तरह से करके इस तरह से तिरछा मार्क कर लगा लेना है। अब 1/2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे, तो देखिए जो हमारा पार्ट है 4-4 इंच का है, और ये हमारा मार्जिन है। अब पूरा जितना हमारी कटोरी का साइज आया है उसका हाफ करेंगे, ये देखिए। यहाँ से 1 इंच नीचे हम और लेंगे, और देखिए इस तरह से ला के मिलाना है। इस साइड आप 1/2 इंच ऊपर और ले सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी हुकाई की पट्टी लंबी नहीं होगी। तो देखिए, हमने कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट एकदम परफेक्ट हमारा है,
मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। तो बिल्ट तैयार है हमारा। अब कटोरी की साइज़ को कटिंग करेंगे। देखिए गले की ब्रॉडनेस आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, गले का सेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडनेस इसकी बढ़ाई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने मार्किंग लगाई थी, अब हम फिर से फिटिंग की मार्किंग लगा लेते हैं। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है ये कटोरी ज्वाइन करते समय सिलाई में चला जाएगा, ये देखिए। तो अब ये फिटिंग की लाइन जो है इस पर हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। अब गहराई वाले पार्ट को भी हमने कट कर देना है इस तरह से। देखिए हमने साइड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब कटोरी वाले पार्ट को मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की साइज़ की कटोरी एकदम कंप्लीट हो गई है। अब कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने देखिए अलग से एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो जो हमारे पास कपड़ा बचा था उससे हमने ले लेना है और इसे देखिए इस तरह से बराबर से कट कर लेना है। अब इसे हम देखिए इस तरह से रखेंगे, हाफ इंच पहले मार्जिन का लगा लेंगे। अब जो हमारी हमारा पार्ट निकला था कटोरी का उसी को रखेंगे, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर ऊपर के साइड लेंगे। इस तरह से पूरा हमारा जो पार्ट आएगा ये देखिए नाप लेंगे तो हमारा 4 इंच का आ रहा है। तो देखिए 4 इंच पे हमने सीधी लाइन मार्क कर लेनी है इस तरह से। अब इसका हम सेंटर लेंगे। आप अगर इस तरह से कटोरी को ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से कटोरी को आप ब्लाउज बना सकते हैं किसी भी साइज का। देखिए दोनों साइड हमने हाफ हाफ इंच इस तरह से मार्क लगाना है और इस तरह से डाउन करते हुए शेप देना है। और नीचे की लाइन जो हमने मार्क की है हाफ इंच की, उस पर अपने बेल्ट को रखेंगे और देखिए शेप को उतार लेना है बेल्ट की इस तरह से। और फिर देखिए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क लगा लेना है इस तरीके से। हम देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके सेंटर पे कट लगा लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इस पर एक मार्क लगा लेंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सा साइड ऊपर का है कौन सा बेल्ट के साइड का है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये अस्तर बचा था उस पर हमने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा कम है, देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। चेस्ट का चौथाई लिया है 10.25 इंच। स्लीव की लेंथ यहाँ पे 5 इंच है, 1 इंच मार्क कर प्रेस करके 6 इंच ले लेना है। 10.25 और 6 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 इंच कम करना है और एक लाइन और मार्क कर लेनी है। 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, जितना आपने अपने पार्ट में मार्जिन रखा उसी के अकॉर्डिंग इस पर भी मार्जिन रखिएगा। ये देखिए स्लीव राउंड 13 है, उसका हाफ लेना है 6.5 इंच। 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी रखेंगे और इस तरह से मार्क लगा लेंगे। स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जॉइंट लगाना है उसके लिए हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इस दूसरी साइड का कपड़ा बचा था उसे हमने देखिए इस तरह से रख लेना है, जॉइंट को कट कर लिया है। अब हम सिलाई करते समय इसमें गहराई देंगे, अभी नहीं देंगे। देखिए हमने यहाँ पे कपड़े पे कटिंग कंप्लीट कर ली है, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को बनाना है। तो देखिए हमने बैक पार्ट के गले को इस तरह से मार्क किया था, अब इस तरह से एक शेप और देंगे। तो हमने देखिए 1.5 इंच पर इस तरह से एक राउंड शेप दिया है। पेस्टिंग पेपर लेंगे, पेस्टिंग पेपर पर हमने देखिए 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 10.5 इंच गले की लंबाई और 3.5 इंच देखिए ब्रॉडनेस लेके इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से करके एक राउंड शेप देना है। इस तरह से अपने गले का शेप बनाएंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, सिंपल गला भी बना सकते हैं। तो ये हमारे डीप नेक ब्लाउज का के अकॉर्डिंग हमने गले को कट किया है। तो जो हमने ये ब्लाउज बनाई है डीप नेक के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग हमने करी है। तो आप इसी के एक अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग गले को बनाइएगा, कोई भी गला बनाएगा लेकिन डीप में ही बनाइएगा। और देखिए पेस्टिंग पेपर को इस तरह से लाइनिंग अपने लाइनिंग पे रखना है और फिर लगा के इस तरह से बैठा लेना। आप चाहे तो प्रेस लगा सकते हैं। शेप के अकॉर्डिंग देखिए हमने इसे सिल लेना है। दूसरी साइड से भी हम सिलाई चला लेते हैं। अगर आप प्रेस चलाएंगे तो दूसरी साइड की सिलाई आपको चलानी नहीं पड़ेगी। तो हमने देखिए सिलाई को चला लेना है इस तरह से। अब देखिए अपने कपड़े वाले पार्ट को लेंगे, इसे सीधी साइड से हम रखेंगे और नीचे की साइड देखिए इस तरह से करके हमने कट से कट को मिलाते हुए इस तरह सिलाई कर लेनी। इससे क्या होगा कि आपको नीचे की साइड कवर पट्टी पलटनी नहीं पड़ेगी,
ये देखिए, और आपका टाइम भी बचेगा, तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए उल्टी साइड से हमने इसे फिर से इस तरह से रखा है, और कपड़े के कट के गले पे कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से देखिए हमने पेस्टिंग पेपर पे जो गला कट किया था, पेस्टिंग पेपर के किनारे हमने सिलाई चलाई है, कि पेस्टिंग पेपर पे नहीं चलाई है। ये देखिए, अब एक पर का मार्जन लेते हमने कपड़े को कट किया गले के, और छोटे छोटे कट्स लगा लिया है। ये देखिए कट्स इस तरह से लगाना है कि हमारी सिलाई न कटे। अब यहाँ से इसको पलट लेना है, पलटने के बाद देखिए अच्छे से सारे कॉर्नर को हमने निकाल लेना है, और ऊपर से एक सिलाई हमने और चला देनी है शेप के अकॉर्डिंग। इससे हमारा पार्ट जो है फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा शेप आया। देखिए अब हम चारों तरफ से कच्ची सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे लाइनिंग और कपड़े को, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले को रेडी कर लिया है, टक्स लगा लेते हैं। देखिए हमारी टक्स भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए हम डोरी बनाएंगे लगाएंगे। तसल के लिए हमने 3-3 इंच का स्क्वायर 3 पीस लिया है, और इसे देखिए ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। डोरी को हमने बना के रेडी कर लिया था, तो देखिए इस तरह से करके हमने ट्रायंगल को लगाना है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा दिखेगा उसे हम कट कर देंगे, और इसे पलट लेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल लगाएंगे, स्क्वायर पीस मतलब ट्रायंगल में करके लगाएंगे। तो देखिए 1 इंच के डिस्टेंस पे लगाएंगे, जैसा आपका स्क्वायर पीस हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी डिस्टेंस रखिएगा। देखिए पलट देना है। इसी तरह से हम तीसरा स्क्वायर पीस इसमें लगा लेंगे ट्रायंगल में फोल्ड करके। यहाँ पे देखिए हमने तीनों ट्रायंगल लगा लिया है, और दोनों डोरी हमने तैयार कर लिए। डोरी को हम अपने गले पे इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए 3.5 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे, यहीं पे हम अपनी डोरी को इस तरह से टाक लेंगे। आप डोरी को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अब अपने फ्रंट की सिलाई करते हैं। तो फ्रंट के सारे पार्ट को हमने लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। देखिए कटोरी के पार्ट को भी हमने इस तरह से लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच किया है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। कटोरी के दोनों पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से कटोरी के दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलाई करिएगा फ्रेंड, जितना आपने अपने में रखा हो। सिलाई को डबल कर लेना है। दूसरी कटोरी को भी हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और देखिए कट लगाने से कितनी आसानी से हमारी सिलाई हो जाती है, तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप भी कट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमने कटोरी का ज्वाइंट किया है, तो जो हल्का फुल्का एक्स्ट्रा देखिए उसे कट कर देंगे। हल्का फुल्का एक्स्ट्रा आ ही जाता है, बस हल्का फुल्का ही। ये देखिए दोनों हमने कंप्लीट किया है। अब साइड वाले पार्ट में अपने कटोरी को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करना है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, इक्वली रख के सिलाई करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को डबल कर लेते हैं। दूसरा साइड भी हम जो ज्वाइंट करेंगे कटोरी और साइड वाले पार्ट को। तो देखिए हम किस तरह से ज्वाइंट करते हैं, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपका पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट एकदम इक्वली आया है। हल्का फुल्का अगर बढ़ेगा तो उसको हम कट कर लेंगे, बस हल्का फुल्का ही कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा दिख रहा था तो हम उसको कट कर लेंगे इस तरह से।
अब इसमें हम अपनी टक्स लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट वाले पार्ट को लेना है इस तरह से बराबर से रखते हुए, देखना है हमें कि कितना कपड़ा बच रहा है, जितना बचेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें टक्स लगाएंगे। देखिए मेजर कर लेंगे तो हमारे 1.5 इंच का इतना एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। 1.5 इंच को हम फोल्ड करेंगे तो जितना आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम टक्स लगाएंगे। इसमें टक्स इतनी कम इसलिए लगती है क्योंकि देखिए इसमें हमने एक जॉइंट लगाया है, दोनों साइड से हाफ हाफ इंच जॉइंट का चला गया तो भी टक्स के बराबर ही आएगा। तो इस कुल मिला के यहाँ पर 1.5 इंच या 1.25 इंच का टक्स हो जाता है, इसीलिए हम इस वाले कटोरी ब्लाउज में 1/2 इंच या थोड़ा सा ज़्यादा ही हम टक्स लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं, फिर भी परफेक्ट हमारी कटोरी आती है। टक्स की लंबाई देखिए हमने 3 इंच लेनी है, इस तरह सिलाई कर लेनी है। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी टक्स आई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस ब्लाउज में इतनी ही साइज़ की टक्स लगाएगा आपकी कटोरी बहुत परफेक्ट बनेगी। अब बेल्ट को ज्वाइन करना है तो देखिए हमने कपड़े वाले बेल्ट को कपड़े की साइड रखा है और लाइनिंग वाले बेल्ट को लाइनिंग के साइड रख के इस तरह से हमने ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ दिखेगी। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को ज्वाइन करना है। और फिर से सिलाई को डबल कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से बेल्ट की सिलाई को डबल कर लिया है और इसे देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ पलटना है। तो यहाँ पे देखिए इतना परफेक्ट हमारा बेल्ट जॉइंट हुआ है। अब देखिए हम इसको अच्छी सिलाई के साथ दोनों को पैक कर लेंगे, इस तरह से हाथ से बराबर करते जाएंगे ताकि कोई सल ना दिखे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारी कटोरी बनी है और बेल्ट भी जॉइंट हो गया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिखेगा उसे हम कट कर लेंगे। लाइनिंग बिल्कुल भी कट नहीं करनी क्योंकि लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटी होती है। तो यहाँ पे हमने एक साइड का पार्ट तैयार कर लिया, दूसरा साइड हम तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इस पर अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग हुक और आई की पट्टी लगा लेनी है। तो इस साइड हमने देखिए बटन पट्टी लगानी है जिसमें हम आई बनाएंगे, हुक का ब्लाउज है ये। ये देखिए हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है बढ़ाते हुए। बटन पट्टी पे एक सिलाई और चलाएंगे सेंटर में। अब देखिए दूसरी साइड काज पट्टी लगा लेनी है जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने हुक की पट्टी को लगा के सिलाई करके पलट लिया है। पार्ट को देखिए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक्स्ट्रा दिखेगा तो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा था हमें कट कर लेना है। तो एकदम परफेक्ट हमारा पार्ट दोनों बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम नीचे कमर पट्टी लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं फ्रेंड्स तो आप इस तरह से सिलाई करिएगा। तो देखिए पट्टी पर हमने एक सिलाई ऊपर से और चलानी है। और इस पट्टी को देखिए इस तरह से करके हमने डबल फोल्ड करके पलट लेना है। बाद में इस पर हम तुरपाई करके सिलाई को खोल देंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी कमर पट्टी लगा लेंगे। तुमने कमर पट्टी दोनों में लगा ली है। अब देखिए अपने गले पे पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने देखिए एक तिरछी और भी पट्टी कट की है और इस तरह से गले पे हम सिलाई कर लेंगे। पट्टी को खींच के सिलना है। जब भी हम पाइपिंग की पट्टी लगाते हैं तो पाइपिंग की पट्टी को हम खींच के सिलते हैं ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठे और इससे गला हमारा गिरता भी नहीं अगर हम पट्टी को खींच के लगाते हैं। तो देखिए पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड फिर से करके सिलाई करनी है। अभी हम पाइपिंग को बैठाएंगे नहीं, इसी तरह दूसरी गले की पाइपिंग भी हम लगा लेंगे। अब देखिए अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे अपने फ्रंट को रखेंगे सीधी साइड से और ये देखिए बराबर से रखते हुए हमारा दोनों पार्ट एकदम इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए सीधी साइड से एकदम किनारे पे हमने सिलाई चलानी है शोल्डर की क्योंकि इसे हम उल्टी साइड से लाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। यहाँ देखिए अब इसको पलट लेना है और 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई चलानी है। तो देखिए इस तरह से करके हमने शोल्डर पे सिलाई चला ली है। अब पाइपिंग बैठा लेंगे। तो
देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हमारी पाइपिंग बन के आई है। इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे फ्रेंड्स, आपकी आपकी भी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत बन के आएगी। अगर आप पाइपिंग की वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं तो चैनल पे हमने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए हमने पाइपिंग बना के कम्प्लीट कर ली है। अब हम स्लीव को बनाएंगे। स्लीव के लिए देखिए हमने जो उसमें जॉइंट लगाना था, जॉइंट हमने कट किया था, उसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड हमने जॉइंट को लगा लेना है स्लीव में, यानी कि लाइनिंग वाले स्लीव में जॉइंट लगाना है। हमने कपड़े वाले स्लीव में भी हमने जॉइंट लगाया है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से करके 9.25 इंच का हमारा ब्लाउज का स्लीव आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कम पड़ा था, हमने देखिए ये थोड़ा सा कम आया है। तो देखिए दोनों साइड में स्लीव पे जॉइंट लगा के स्लीव को कंप्लीट कर लिया, हमने गहराई भी दे दी है। अपने कपड़े के स्लीव को लेंगे, उसको सीधी साइड से रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को रख के सिलाई चला के देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। तो हमने स्लीव को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने स्लीव को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो गहराई का पार्ट है हमारा सामने के साइड आना चाहिए, यानी कि फ्रंट पार्ट में। तो हमने स्लीव के सेंटर पे कट लगा लिया है। शोल्डर के सेंटर पे स्लीव के कट को रखते हुए इस तरह से देखिए हमने जॉइंट कर लेना है स्लीव को। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्लीव आ रही है। हल्की सी हमारी स्लीव का कपड़ा छोटा था तो हल्का सा कम आया है, तो कोई नहीं। तो देखिए इस तरह से करके हमने स्लीव को दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने स्लीव पे डबल सिलाई चला लेनी है। तो स्लीव हमने अच्छी तरह से जॉइंट कर ली, दूसरी स्लीव भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब इस पर फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट का सेंटर लेना है, तो जो हमने कटिंग करते समय फिटिंग की मार्किंग लगाई थी उसी पे हमने सिलाई करनी है, अलग से हम फिटिंग की मार्किंग नहीं करेंगे। तो देखिएगा कितना परफेक्ट आपका ब्लाउज बन के आता है। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना कितना आसान हो जाता है, आपको फिटिंग भी लगानी नहीं पड़ती है, जिस पर आप मार्क लगाए रहते हैं उसी पर आपकी फिटिंग आ जाती है। तो देखिए मैंने सीधी साइड से स्लीव के दोनों जॉइंट को मिलाते हुए किनारे पे एक सिलाई चला लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए उसे कट कर देना है, दोनों साइड से हमने इस तरह से कर लेना है और उल्टा करके हमने किनारे की सिलाई और चला लेनी है। तो देखिए जो हमने कटिंग करते समय मार्क लगाया था बैक पार्ट में उसे हमने डार्क कर लिया है और स्लीव राउंड को नाप करके देखिए हमने फिटिंग की सिलाई चला लेनी है। ये देखिए उसी मार्क पर हम सिलाई चला रहे हैं जो हमने मार्किंग लगाते समय लगाई थी। तो फिटिंग की 2-3 सिलाई चला लेंगे। दूसरी साइड भी देखिए इसी तरह से हमने फिटिंग की मार्किंग देखिए फिर से नाप लेते हैं। तो हमारी कमर जो है 15.5 इंच थी, यानी 31 इंच थी पूरी कमर, और चेस्ट पे हमने कट लगाया ही था उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। स्लीव राउंड 6.5 इंच है। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपकी फिटिंग की सिलाई इसमें लग गई है। अब ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे और देखिए फिटिंग को हम नाप के कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी फिटिंग सही आई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्लीव हमारी ब्लाउज की फिटिंग आई है। तो 39 हमारी चेस्ट थी, देखिए यहाँ पे 19 पॉइंट कुछ आया है और कमर देखिए 31 थी, तो देखिए यहाँ पे 15.5 इंच आया है। तो यहाँ पे ब्लाउज बन के हमारा कम्प्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।